तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का बहुत ही बड़ा मुकाबला एशिया कप का बहुत ही बड़ा मुकाबला जो कि खेला जा रहा है बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान। तो बांग्लादेश ने 117 रन्स बना लिए हैं, 3 विकेटें खो दी हैं। बढ़िया अपील यहाँ पे, कोई अपील नहीं, बैरी का नारा लगा था, थोड़ा सा बॉल आगे गिरा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी यहाँ पे देर हो चुकी है, तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी मुझे नींद आ रही है। तो 37 बॉल हैं, 45 रन्स अभी भी दरकार है, काफ़ी मैच अच्छा होने वाला है। कलाइयों को उपयोग कर दिया है, पीछे फील्डर तो मौजूद है लेकिन सिर्फ देखते रह जाएंगे और गैप यहाँ पे मिल जाएगा, आसानी से रन्स मिलेंगे पूरे 4। तो फ्रेंड्स, ये मैं आगे इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पे यार थोड़ा सा आवाज़ जो आवाज़ का थोड़ा मसला होता है, गला थोड़ा ख़राब है। फ्रेंड्स, मैं भी इंसान हूँ तो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये शॉट भी अच्छा खेला है, कैच की कॉल है लेकिन आसानी से बटोर लेंगे पूरे 6 रन्स। क्या ही यहाँ पे ज़बरदस्त शॉट खेला है यार, क्या ही मिडिल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है फ्रेंड्स, ये मैच जल्दी से फिनिश कर देंगे। देखें आप, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। व्हाट अ ग्रेट शॉट, क्या ही यहाँ पे फ्रेंड्स ज़बरदस्त शॉट खेला है, मज़ा आ गया। मोहम्मद हुसैन जो कि 19 बॉलों पे 42 रन्स बना चुके हैं, क्या ही ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। आराम से बॉल को धकेल दिया है, क्या ही समझदारी वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। आज बांग्लादेश काफ़ी भारी नज़र आ रही है अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान ने इतने रन्स बोर्ड पर लगाए नहीं है, विकटें ज़रूर शुरू में गंवाई बांग्लादेश ने लेकिन उसके बाद क्या ही कम बैक किया है। यहाँ पर मोहम्मद नईम और हुसैन काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, एक और अच्छा शॉट लेकिन फील्डर यहाँ पे मौजूद है तो एक ही रन्स नहीं मिलेगा, एक भी रन्स नहीं मिलेगा। प्लीज़ यार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओहो, बाल बाल बचे यहाँ पे, बहुत ही अच्छा बॉल। मुजीबुर रहमान काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, इनके पास राशिद खान भी मौजूद हैं, मुजीबुर रहमान भी मौजूद हैं, मोहम्मद नबी भी मौजूद हैं। भारी किनारा, यहाँ पे ज़रूर विकेट मिलेगा, जिस तरह से मैं बता रहा था कि भाई साहब मुजीबुर रहमान बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। तो यहाँ पे विकेट मिल चुका है, रिव्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्या पता रिव्यू ले लें। बहुत ही बड़ा एज लगा है, बॉल घूम के विकेट कीपर के हाथ में गया है, उसके बावजूद रिव्यू लेंगे तो यकीनन रिव्यू कम आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल समझदारी वाला डिसीजन। तो यहाँ पे मोहम्मद नईम आउट हुए हैं 67 रन बना के, वेल प्लेट, काफ़ी अच्छा खेल के गए हैं। तो मेहमदुल्ला आए हैं, भाई मेहमदुल्ला भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, ताबड़तोड़ हमले करते हैं। क्या मैच जल्दी फिनिश करेंगे या मैच फंस सकता है, अभी भी 34 रन सरकार हैं। आते ही कट तो कर दिया है लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है, सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। आते ही ताबड़तोड़ हमला मेहमदुल्ला का, अंपायर का इशारा, रन्स मिलेंगे पूरे 4। फ्रेंड्स, ये एशिया कप का 3रा मैच खेला जा रहा है बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान। याद रहे फ्रेंड्स, अफगानिस्तान अपना पहला मैच भी जीत चुका है। वाह भाई साहब, आवाज़ सुनिए इस शॉट की और जाएगी बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन्स। काफ़ी फ्रेंड्स मज़ेदार ये मैच है भाई, बांग्लादेश की टीम क्या ही मिडिल कर रही है यार, बॉल को मज़ा आ गया यार ये शॉट को देख के भाई, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़रूर मज़ा आएगा। बॉलर तैयार, बारी किनारा, लेकिन माना नहीं जाएगा, क्रिकेट की दुनिया में इस बारी किनारे को कुछ भी नहीं माना जाते। तो 49 रन्स, 22 रन्स 22 बॉलों पे बना चुके हैं, तो देखते हैं इस बॉल पे क्या करते हैं। कलाइयों का उपयोग, यकीनन यहाँ पे अपने 50 रन्स पूरे कर लेंगे। वेल प्लेड मोहम्मद हुसैन, वेल प्लेड। 217 के स्ट्राइक रेट से यकीनन यहाँ पे अफगानिस्तान के लिए बहुत ही महंगे साबित हो चुके हैं ये बल्लेबाज, क्योंकि सिर्फ 23 बॉलों पे इन्होंने बना लिए हैं अपने 50 रन। और मेहमदुल्लाह ने आते ही भाई साहब जड़ दिया है चौका, पुल कर दिया है, मिडोंड इज अ कॉल और बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे, अपनी टीम के लिए 4 रन सेव किए क्योंकि फील्डर तो पीछे मौजूद थे लेकिन शॉट काफ़ी तेज था तो मुझे नहीं लगता कि पहुँच जाएंगे। तो एक दफ़ा फिर से नज़र डालते हैं इस फील्डिंग पे, बहुत अच्छी तरीके से लाइन और लेंथ को जज करके यहाँ पे पुल किया था, उतनी ही बढ़िया फील्डिंग, बॉल काफ़ी तेज था। एक बार फिर बॉलर तैयार है, मेहमदुल्लाह भी तैयार हैं, मोहम्मदुल्लाह
भाई साहब अहमदुल्ला के इरादे बड़े खतरनाक नजर आ रहे हैं, आसानी से रन्स मिलेंगे पूरे छह। यहाँ पे बांग्लादेश भाई साहब जल्दी मैच फिनिश करने के मूड में है। अफगानिस्तान अपना एक मैच जीत चुकी है, अगर यहाँ पे बांग्लादेश मैच जीती है तो फिर भाई साहब यहाँ पे खतरा हो सकता है। जो मैच होगा श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का भी देखने वाला मैच होगा फ्रेंड्स, उस मैच के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कलाइयों का उपयोग वेट सको एंड ऑफ द 16th ओवर। ग्राउंड चेक करें फ्रेंड्स, क्या ही ये खूबसूरत ग्राउंड है। बस इस ग्राउंड का एक मसला है कि इसमें स्पीकर वगैरह नहीं लगे हुए, अगर इस ग्राउंड में स्पीकर होते तो क्या ही मज़ा आता। लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, बगैर स्पीकर के भी काम चला लेंगे हम, है ना भाई, आपको इंटरटेन करने के लिए स्पीकर क्या करेंगे। तो यहाँ पे अब सिर्फ 17 रन दरकार हैं, तो मैच तो आसानी से बांग्लादेश ये जीत चुका है फ्रेंड्स मेरे ख्याल में। बारी किनारा यहाँ पे भाई साहब इतनी आसानी से यहाँ पे जीतने नहीं देगा यहाँ पे, तो एक और बड़ा नुकसान हो चुका है यहाँ पे अब बांग्लादेश की टीम को। अफगानिस्तान यहाँ से क्या वापसी करेगा या जीतेगा बांग्लादेश, देखते हैं होता है क्या। तो फ्रेंड्स जाते जाते प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हम आपके लिए बनाते हैं ऐसी और ज़बरदस्त वीडियोस। प्लीज़ अभी तो एशिया कप चल रहा है, लेकिन जब एशिया कप ख़त्म हो जाएगा तो हम ही आपके काम आएंगे, हम ही आपको इंटरटेन करेंगे, ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।